स्वाइन फ्लू की। स्वाइन फ्लू की वजह से पर्यटकों में जो डर देखने को मिल रहा था, उससे उम्मीद जताई जा रही थी कि पर्यटकों को इस डर से टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पर भी बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। पेशक रिपोर्ट। स्वाइन फ्लू पर्यटकों के दिल में खौफ बनकर बस गया था। इस खौफ के कारण भारत के काफी पर्यटक विदेश जाने से कतराने लगे थे, जिसे टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के कारोबार को नुकसान होने की बात कही जा रही थी। लेकिन जानकारों की माने तो स्वाइन फ्लू के कारण हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री पर खास असर नहीं पड़ा। स्वाइन फ्लू का शोर मचा है, हमें खुद उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ कैंसिलेशंस होंगी, पर बहुत सरप्राइजिंग बात है कि इस टाइम किसी भी फ्लाइट पे सीटें हैं नहीं। जो यूके और यूएसए की फ्लाइटें हैं सारी फुल हैं, और कोई प्रोग्राम अमेरिका का या यूएसए का कैंसिल नहीं हुआ। काफी समय बाद टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मंदी के दौर से उबरती नजर आ रही थी, लेकिन अचानक स्वाइन फ्लू की अमेरिकी, यूरोपीय और एशियाई देशों में दस्तक ने लोगों का दिल दहला दिया। जो लोग विदेश यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अपने हवाई टिकट रद्द करा दिए। हालांकि ये डर केवल कुछ पल के लिए ही था, या यूं कहें कि ये सब सिर्फ अफवाहें थीं। गर्मियों के मौसम में ज्यादातर पर्यटक छुट्टियां मनाने बाहर जाते हैं। स्वाइन फ्लू की वजह से उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में थोड़ी फेरबदल कर दी है, यानी बाहर जाने का समय थोड़ा बढ़ा दिया है। जाहिर है टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आई रौनक इन गर्मियों में भी कायम रहेगी। मानवी मिश्रा, CNEB दिल्ली। तो स्वाइन फ्लू का असर हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म पर पूरी तरह से बेअसर देखा गया है। और बिजनेस अपडेट में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।